नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। प्याज की अनियंत्रित होती हुई कीमतों के मद्देनजर थोक मंडी के भाव में प्याज को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्याज विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उद्यान मंत्री श्री राम चौहान के द्वारा किया गया। देखिए एक हमारी रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्याज की। जी हाँ, वही प्याज जो लोगों के आंसू निकालने में सक्षम है, वही प्याज जो कि किसी भी सरकार को अस्थिर करने का दमखम रखता है, किसी सरकार को गिराने का दम रखता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ते हुए प्याज की कीमतों में नियंत्रण करने के लिए जगह जगह पर प्याज के सरकारी क्रय केंद्र खोल रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में राजकीय उद्यान में एक सरकारी प्याज विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन उद्यान मंत्री श्री राम चौहान ने किया। देखिए एक रिपोर्ट। आपकी आंखों से आंसू निकालने की कुवत रखने वाला प्याज, जी हाँ, आज हम उसी प्याज की बात कर रहे हैं जिसकी आसमान छूती हुई कीमतें आम आदमी की जेब के साथ साथ सरकार को भी संकट में डालने का मादा रखती हैं, जिसकी बढ़ती हुई कीमतें दमखम रखती हैं किसी भी सरकार को अस्थिर करने का। प्याज की अनियंत्रित होती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए थोक मंडी के भाव में प्याज को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में स्थित राजकीय उद्यान में सरकार द्वारा सरकारी प्याज विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्याज विक्रय केंद्र का उद्घाटन करते हुए उद्यान मंत्री श्री राम चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा प्याज के जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी और उचित दाम पर प्याज को आम जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसका उद्घाटन किया गया है, सरकार की तरफ से आम जनमानस को किस प्रकार की सुविधाएं मिलने की उम्मीद है? सरकार पूरी तरह से जनता की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। मुंबई में और नासिक के आसपास बाढ़ की विभीषिका के कारण बड़े पैमाने पर प्याज की दुर्गति भी हुई और वहाँ से माल आना असंभव हो गया, बहुत कठिनाई हो गई। और इसका फ़ायदा कुछ जमाखोरों ने, कुछ अन्य लोगों ने उठाना जो ही शुरू किया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिया सभी जिलाधिकारियों को भी और जो संबंधित विभाग हैं उनको भी, जनता को प्याज की महंगाई आने नहीं आनी, प्याज महंगा नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो 60-65-70 तक पहुँच गई थी प्याज, कल 39 रुपया, और उसी का परिणाम है कि एक दिन में ही उसकी का मूल्य गिर करके आज 32 रुपये में प्याज बिक रही है। तो छोटी छोटी बातों का भी ये सरकार ध्यान रख रही है, निश्चित रूप से अच्छी पाल है, जनता के सुख दुख में सरकार भी भागीदार है। सर, क्रय केंद्र का उद्घाटन तो हो गया, क्या कालाबाजारी पर भी रोक लगा पाएगी सरकार? जरूर लगेगी, सारे जिलाधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश हैं कि जहाँ पर भी कोई जमाखोर हो, कोई कालाबाजारी करता हुआ मिले तो उसको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए। सबकी सीमाएं तय है कि किसको कितना रखना है, उससे इतर रखता है तो निश्चित रूप से दंड का भागीदार होगा। प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आज एटा अलीगंज में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली की दरों, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, बदहाल कानून व्यवस्था, हत्याएं, बेरोजगारी आदि के मुद्दे उठाए। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में सपा सरकार के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई रामनाथ सिंह यादव व ब्लॉक प्रमुख जैथरा और ओमपाल सिंह यादव मौजूद रहे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता संजय सिंह यादव के साथ। प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते सपा के कार्यकर्ताओं ने एटालीगंज में जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसका कारण है जन विरोधी नीतियाँ, जिस वजह से महंगाई चरम पर है, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है।